नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आस्था सीएम शिवराज के गृह जिले में ऐसा भी कलाकार, ग्रामीणों को कर रहा कोरोना महामारी से बचने के लिए जागृत। अब तक 20 गांवों की 50 से ज्यादा दीवारों पर निःशुल्क पेंटिंग के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का कर रहा प्रयास। कोरोना जैसी महामारी से बचाव और मुक्ति के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार से स्वप्रेरणा लेकर गांव-गांव जाकर घरों की दीवारों पर और सार्वजनिक स्थानों पर बचाव के तरीके और विचार स्वयं के खर्चे से लिखकर अलख जगा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर उससे बचाव के लिए शासन प्रशासन जिस तरह से जतन कर रहा है और 21 दिन का लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी के आह्वान का भी संक्रमण को रोकने का बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते इस महामारी के संक्रमण से होने वाली जानलेवा बीमारियों व संक्रमण से बचाव के बारे में इतनी जागृति नहीं दिखाई दे रही है जितनी की होना चाहिए। गांव में आज भी लोग जहां चौपालों पर समूह के रूप में एकत्रित हो रहे हैं, वहीं खेतों पर भी अनेक मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव में वह लोग भी आ रहे हैं जो वर्षों से बड़े शहरों में कार्य कर रहे हैं और इस महामारी के डर से अपने गृह गांव में आ गए हैं और मेडिकल जांचों से भी बच रहे हैं। आसरा तहसील के अरनिया राम ग्राम पंचायत गांव के रहने वाले युवक गुलाब सिंह परमार, जो कि पेंटिंग जैसी कला में महारत रखते हैं, यह युवक शासन प्रशासन द्वारा इस जानलेवा संक्रमण वाली बीमारी से बचाव कैसे व किस तरीकों से किया जा सकता है, इसके लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार से स्वप्रेरणा लेकर अपनी पेंटिंग वाली कला का सदुपयोग करते हुए स्वयं के खर्च से गांव-गांव जाकर दीवारों पर इस महामारी से बचाव के तरीकों को लिखकर ग्रामीणों में जागृति लाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। इस पेंटर गुलाब सिंह परमार द्वारा गांव में घरों पर व सार्वजनिक स्थानों पर लिखे जा रहे स्लोगनों और बचाव के तरीके अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया में पढ़ने को मिल रहे होंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस पेंटर द्वारा किया जा रहा पुनीत कार्य की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं हो, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस युवक को जिम्मेदार प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे। जबकि इस युवक से हमने बात की तो उसने बताया कि मुझे इस कार्य से बहुत संतोष मिल रहा है। उसका कहना है कि मेरे इस जन जागृति अभियान से हर गाँव में अगर 8 से 10 लोग ही जागृत हो गए तो मैं समझूंगा मेरा अभियान पूर्ण हो गया। मैं तो यह चाहता हूँ कि सभी नवयुवकों को इस महामारी के बचाव वाले अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम बहुत जल्द ही इस वैश्विक बीमारी पर काबू पा लेंगे। क्या नाम है आपका? जी गुलाब सिंह परमार। कहाँ रहते हैं? अरनिया राम। हम देख रहे हैं ये सरकारी दीवारों पे अब ये जो कोरोना महामारी बीमारी चली है जी, इसमें आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ये बना रहे हैं, पेंटिंग टाइप भी कर रहे हैं जी जी, लोग जागृत कर रहे हैं जी, क्या उद्देश्य है? जी उद्देश्य कुछ नहीं, सरकार इतना कुछ कर रही है तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा योगदान मेरी तरफ से करूँ। अच्छा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के ये पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। अच्छा। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? ये सब लोग कर, सरकार जब इतना कुछ कर रही है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी करूँ, जिससे ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही लोग अगर जागरूक हुए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अच्छा, कितने गाँवों में लिख चुके हैं, कितनी जगह कितनी दीवारों पर लिख चुके हैं अभी तक? अभी तक मैं 50 के आसपास दीवार लिख चुका हूँ। अच्छा। और ये मेरा 22वां 23वां गांव है। अच्छा। और अभी सतत प्रयास रहेगा, जब तक मेरे पास कलर रहेगा लिखता रहूँगा। अच्छा, जो इसमें खर्चा आ रहा है वो खर्चा कहाँ से आ रहा है, या कोई पैसे सुविधा मिल रही है अपने सरकार वरकार से या प्रशासन से? कोई सुविधा नहीं, निजी जेब से कर रहे हैं क्या कर रहे? नहीं, मैं अपने निजी खर्च से कर रहा हूँ, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। और मैं चाहता भी नहीं सुविधा, आप लोगों का प्रेम बना रहे और मैं ये पुनीत कार्य करता रहूं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे ग्रामीण वासियों से, क्या अपील करेंगे? जैसे क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में तो क्या है कि प्रशासन प्रशासन सख्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी जागरूकता कम दिखाई दे रही है, क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से? मैं सभी अपने ग्रामीण भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, कोई भी घर से ना निकले। जब तक आपके घर में कोरोना नहीं आएगा तब तक आप खुद उसे बाहर लेने नहीं जाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सरकारी नियमों का पालन करें और प्रशासन की मदद करें। समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।